जब तक प्रभु रामलला अपने घर में विराजमान नहीं होंगे तब तक मौन धारण रखे रहेंगे। जब तक प्रभु रामलला को उनका स्थान नहीं मिलेगा तब तक मुख से एक शब्द तक नहीं बोलेंगे। आज मैं कहानी आपको बताने वाली हूँ एक 85 वर्ष की महिला का, जिन्होंने यह प्रण लिया था आज से 30 वर्ष पहले कि भगवान राम का जब तक उन्हें स्थान नहीं मिलने वाला है तब तक मैं मौन धारण किए रहूंगी। यह कहानी है झारखंड के धनबाद में रहने वाली 85 वर्ष सरस्वती देवी की। वह जो है कि प्रभु राम लला की काफी भक्ति भाव में हमेशा डूबी रहती हैं और साथ में वह तीर्थों पर भी जाती रहती हैं। और उनका मानना था कि जब तक प्रभु राम लला का उनको स्थान नहीं मिल जाता मैं मौन धारण ही किए रहूंगी। आज लगभग हो गया 30 वर्ष, अब उनका मौन जो टूटेगा वह प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही टूटेगा। उनका यह कहना है कि जब जिस दिन वह जो है कि प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान राम लला का होगा उस दिन वह सीताराम का पहला नाम लेंगी, उस वक्त अपना वह जो है कि मौन धारण जो किए वह तोड़ेंगी। जब वह तीर्थों पे जाती थी तो भी वह मौन धारण ही किए रहती थी और जब उनको कुछ बोलना भी रहता है तो भी वह जो है कि लिख करके बताती थी या इशारों में बताती थी मगर वह बोलती नहीं थी। कलयुग में भी एक भक्ति का एक चर्चा जो है कि सुनने को मिल रहा है कि कलयुग में भी इतनी लोगों में श्रद्धा भक्ति भाव है कि भगवान के प्रति इस तरह समर्पण हो जाना कि अपनी आवाज होते हुए भी आवाज को दबा ले जाना कि कुछ ना बोलना, यह बहुत बड़ी बात है कि कलयुग में ऐसी भक्ति देखने को मिली है सुनने को मिली है कि जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे भारतवर्ष में हो रही है कि 85 वर्ष की एक महिला प्रभु राम लला के लिए अपना जुबान होते हुए भी जुबान का त्याग कर दी कि जब तक उनको स्थान नहीं मिलेगा हम अपना जुबान का उपयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन रहेंगी। तो अब उनका प्रण पूरा होने जा रहा है, प्रभु राम लला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो वहीं सरस्वती देवी के छोटे बेटे हरिराम अग्रवाल ने बताया कि विवादित ढांचा गिरने के बाद उनकी मां ने मौन धारण कर लिया था और प्रण लिया था कि जब तक भगवान राम मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन ही रहेंगी। हरिराम अग्रवाल ने आगे बताया कि 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे उस दिन ही मां अपना प्रण तोड़ेंगी। मां ने यह लिख कर बताया कि मौन व्रत के बाद पहला शब्द सीताराम सीताराम बोलेंगी।